हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम पुरोहित, आपका ज्योग्राफी एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो कि फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए, जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएँ मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में, और 6वीं से लेकर 12वीं तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कक्षाएँ। साथ ही साथ अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हिंदी माध्यम में हम जिन बोर्ड्स को कवर करते हैं वो बोर्ड्स हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इन सभी बोर्ड्स में आप हमारी कक्षाएं अवेल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग कक्षा 11वीं की बुक जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इस बुक का चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है महासागरीय जल। इस चैप्टर को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, और चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी डिस्कस कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित कुछ बेहद महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। दरअसल इस वीडियो को लाने का उद्देश्य ये होता है कि आपकी एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसमें वैकल्पिक प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की संख्या बड़ी सीमित होती है। मैक्सिमम आपको 3, 4 या 5 वैकल्पिक प्रश्न ही एनसीईआरटी की बुक में दिए होते हैं, लेकिन क्या सिर्फ 5 वैकल्पिक प्रश्नों को सॉल्व कर लेने से, हल कर लेने से आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है? नहीं। इसलिए हम आपकी तैयारी बेहतर हो सके, आपकी प्रैक्टिस जो है और अच्छे से जारी रखते हुए हम इस वीडियो को हमेशा की तरह इस चैप्टर में भी लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम फिर से मैं बता दे रहा हूं, महासागरीय जल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ये वीडियो होने वाली है। सबसे पहले हम लोगों को पहला क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग जो है लगभग 20 क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटेजी हमेशा की तरह हम लोगों की यही रहेगी कि पहले प्रश्न आएगा, आप लोगों को वीडियो पॉज करना है, गैस करना है क्वेश्चन की भाई इसका आंसर जो है वो क्या हो सकता है, मन में गैस करना है और अपने आप की तैयारी भांपना है कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। अगर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हो रहे हैं मतलब आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, महाद्वीप का यह भाग जो महासागरीय जल में डूबा रहता है क्या कहलाता है? तो महाद्वीप का हमें वो भाग बताना है जो महासागरीय जल में डूबा रहता है। वैसे तो देखिए इसमें जितने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ये चारों ही ऑप्शंस जो हैं वो महासागरीय जल यानी पानी में डूबे होने वाले हैं, लेकिन पहला जो शब्द है कि महाद्वीप का वह भाग, मतलब इन चारों में से महाद्वीप का कौन सा वो भाग है जो जल में डूबा रहता है? तो महासागरीय गर्त, गंभीर सागरीय मैदान, महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय ढाल में से महाद्वीपीय मग्न तट जो है ये महाद्वीप का भाग होता है और जल में डूबा होता है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि जैसे ही आप कोई महाद्वीप उठाते हैं, सपोज करिए कि मैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करता हूं, ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है मान लीजिए, ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसको आप सोचकर देखिए कि जमीन से अक्सर अगर आप इसको उखाड़ेंगे, पूरे महाद्वीप को एक काल्पनिक स्थिति इमेजिन करिए कि जमीन से आप उखाड़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या इतना ही हिस्सा जमीन से उखड़ कर आएगा? नहीं, इसके आसपास का वो हिस्सा जो पानी के अंदर डूबा होगा वो भी जमीन से उखड़ कर आएगा। तो ये जो हिस्सा है ये पानी में डूबा रहता है, हमें नजर नहीं आता, लेकिन ये महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाद्वीपीय मग्न तट। दूसरा जो प्रश्न है वो बोल रहा है कि सर्वाधिक लवणता वाले सागर स्थित हैं। बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछ लिया जा रहा है कि भाई सैलिनिटी या लवणता सबसे ज्यादा कहां पर स्थित होती है? दोनों गोलार्धों में 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 10 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, या फिर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य। तो सर्वाधिक लवणता, ऑब्वियस सी बात है, जहां पर तापमान ज्यादा होगा वहां पर लवणता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि भाई वो जो तापमान के कारण जलवाष्प है वो ऊपर उठेगी और बचा रहेगा सिर्फ नमक। तो मैंने आप लोगों को ग्लोब में मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्वाधिक तापमान तो विषुवत रेखा के आसपास होता है ना, भूमध्य रेखा के आसपास सर्वाधिक तापमान होता है, लेकिन सर्वाधिक तापमान होने के कारण यहां पर संवहनीय धाराएं चलती हैं।
संवहनीय धाराएं जो लंबवत धाराएं होती हैं ये जलवाष्प को लेकर ऊपर जाती हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जलवाष्प को ऊपर ले जाने के क्रम में संघनन की प्रक्रिया होती है, बादलों का निर्माण होता है और बादल बरसते हैं, मतलब संवहनीय वर्षा विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा के आसपास होती है। अब सीधी सी बात है, तापमान अगर ज़्यादा है लेकिन वर्षा भी तो हो रही है, तापमान ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है लेकिन वर्षा भी हो रही है, तो तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक लवणता नहीं मिलती, इससे थोड़ा सा ऊपर सर्वाधिक लवणता हम लोगों को यानी सैलिनिटी देखने को मिलती है, थोड़ा सा ऊपर, मतलब 5 डिग्री व 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये ऑप्शन तो इसका नहीं होगा। सही आंसर इसका होगा 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य, यहाँ पर सर्वाधिक लवणता देखने को मिलती है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था ये वाला, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, निम्नांकित में से किस समुद्र में लवणता सर्वाधिक है? बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया है, कैस्पियन सागर, बाल्टिक सागर, काला सागर व लाल सागर। आप लोगों को बताना है सर्वाधिक लवणता किस सागर में स्थित है। अच्छा, अब ये जो वीडियो सीरीज होगी ना, ये जो वीडियो जिसको हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं, इसमें आप लोगों को बहुत सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप लोगों को सिर्फ प्रश्न का उत्तर नहीं जानना है, आप लोगों को मैप खोलना है, उसमें देखना है कैस्पियन सागर कहाँ है, बाल्टिक सागर कहाँ है, काला सागर कहाँ है, लाल सागर कहाँ है। यदि आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे ना, तो आपके मैप की जो तैयारी है ना, वो भी बेहतर हो चलेगी, ठीक है। साथ ही साथ मैं जो भी ऑप्शन यहाँ पर बताऊंगा, अभी तो मैंने सिर्फ यहाँ पर कुछ 2-4 ऑप्शन ही बताए, आगे गर्त आएंगे, अक्षांश आएंगे, हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को मैप पर हल करने की कोशिश करना है, क्योंकि अगर मैं एक एक क्वेश्चन में आप लोगों को मैप खोल कर बताऊंगा कि कैस्पियन सागर कहाँ है, बाल्टिक सागर कहाँ है, काला सागर, लाल सागर कहाँ है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मेन जो उद्देश्य है इस वीडियो का, वो आपकी तैयारी बेहतर करना है, ये नहीं कि भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाए और आप प्रश्न से भटक जाएँ। इसलिए आपका खुद का ये होमवर्क है कि सारे सागरों को आप मैप पर देखें, ठीक है। अब देखिए, किस समुद्र में लवणता सर्वाधिक है? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो समुद्र या पानी का वो हिस्सा जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, याद रखिएगा, उसकी लवणता जो होगी वो सर्वाधिक होगी। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को लवणता जब चैप्टर पढ़ाया था, उसमें ये बताया था कि कहाँ कहाँ पर लवणता ज़्यादा होती है, संभावनाएं कहाँ पर ज़्यादा होंगी। तो उस तरीके से अगर आप इसको हल करेंगे ना, तो इसका सही आंसर आपको पता चल जाएगा, लाल सागर, रेड सी जो है, इसकी लवणता सर्वाधिक होती है। तो मैप पर आप देखेंगे तो आपको अक्षांशीय स्थिति पता चल जाएगी, आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा सागर पैक है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है या भूमि से घिरा हुआ है। तो इस हिसाब से आप लोगों को सही तैयारी जो है आप लोगों की बन जाएगी, अगर आप मैप के साथ तैयारी करते हैं तो, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, लाल सागर। चलिए चौथा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, निम्नांकित में से किसमें सर्वाधिक लवणता मिलती है? अगेन वही प्रश्न है, अब आप लोगों को यहां पर ऑप्शंस चेंज हो गए हैं, सांभर झील, मृत सागर, लाल सागर या सॉल्ट लेक। इनमें से आप लोगों को बताना है कि सर्वाधिक लवणता किसमें मिलती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डेड सी। डेड सी या मृत सागर तो हम लोगों ने लवणता वाले चैप्टर में पढ़ा ही था, याद आ रहा है कि नहीं? उसमें हम लोगों ने डेड सी पढ़ा था, वान झील टर्की में जो स्थित है उसके बारे में पढ़ा था। तीन मैंने ऑप्शन आप लोगों को बताए थे तभी लवणता वाले चैप्टर में, एनसीईआरटी में ही दिए गए हैं, वहीं से ये प्रश्न जो है उठा लिया गया है। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, आप लोगों को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मृत सागर या डेड सी। लवणता इतनी ज़्यादा है कि इसमें डूबना संभव नहीं है, इवन कई बार चल पाता है व्यक्ति, ठीक है, घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। चलिए पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। हम लोगों को ये तो पता है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, सबसे छोटा कौन सा है अक्सर हम भूल जाते हैं, तो सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये 5 प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मजा आ रहा है कि नहीं वीडियो में? अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आप प्रश्न हल कर पा रहे हैं, सही आंसर गैस कर पा रहे हैं, तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए छठवें नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट और गहरे सागरीय मैदानों के मध्य
वाले महासागरीय नितल को कहते हैं। गहरे सागरीय मैदान, महासागरीय कटक, महाद्वीपीय मग्न ढाल या महासागरीय गर्त। चलिए, आप भूल गए होंगे चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे भी आप किसी भी तट पर खड़े रहते हैं, सपोज करिए कि आप चेन्नई के तट पर खड़े हुए हैं, तो चेन्नई के तट पर आप खड़े हैं, वहां पर आपको मैदान, पेड़ पौधे, वनस्पति सब कुछ देखने को मिल रहा है। अगेन जैसे ही आप जाते हैं तो फिर आपको जो है वो मतलब तट की साइड जैसे ही आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इस तरीके से कुछ स्थलाकृति वहां पर मिलती है। ये पानी भरा हुआ है, ये हिस्सा किसका है, ये हिस्सा है महाद्वीप का, और ये वाला जो हिस्सा है वो महासागर का है। तो मैंने आप लोगों को महासागरीय अधस्थल की बनावट में बताया था विभाजन करते समय कि एक हिस्सा ऐसा होता है महासागर का जिसमें जो गहराई होती है वो बहुत उथली होती है, मतलब उथला महासागर होता है, बहुत ज्यादा गहराई नहीं होती, और ढाल जो होती है बहुत ज्यादा मंद होती है। एक हिस्सा ऐसा होता है महासागर का जिसमें ढाल जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे आप लोग यहां पर देखेंगे आपको पता चल रहा है यहां पर ढाल बहुत कम है, इस हिस्से में ढाल बहुत ज्यादा है। एक हिस्सा ऐसा होता है जहां पर प्लेन एरिया नजर आता है जिसको हम मैदान बोलते हैं। तो अगर मैं नामकरण करूं तो ये कौन सा हिस्सा है, यह है महाद्वीपीय मग्न तट, ये है महाद्वीपीय ढाल, ये है महासागरीय नितल, और इसके बीच में ही कहीं हमें गर्त देखने को मिलते हैं। अब देख लीजिए, महाद्वीपीय मग्न तट मतलब इस हिस्से और गहरे सागरीय मैदान मतलब इस हिस्से के बीच में कौन सा हिस्सा मिलता है, ये पूछा गया है आप लोगों से। तो बीच में जो हिस्सा होता है इसको हम ढाल बोलते हैं, महाद्वीपीय मग्न ढाल, स्लोप है ये, याद रखिएगा यहां पर स्लोप एकदम बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए इसका नाम महाद्वीपीय मग्न ढाल है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, सही आंसर है ऑप्शन सी। ऐसे ही अगर आप प्रैक्टिस करके पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं। अभी ये क्वेश्चन पूछा है शुरुआत में, कभी और पूछ सकते हैं कि भाई महाद्वीप की समाप्ति के बाद पहला जो आकृति हम लोगों को नजर आती है वो कौन सी है, फिर आप बोलेंगे मग्न तट। तो किसी भी तरीके से प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। सातवें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, विश्व के किस महासागर का महाद्वीपीय मग्न तट सबसे अधिक क्षेत्र में है। सबसे अधिक क्षेत्र में पूछा जा रहा है, ये देख लीजिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक मतलब किस महासागर का मग्न तट सबसे अधिक क्षेत्र में है। तो सही आंसर इसका होगा अटलांटिक, मतलब ये जो है ये वाला जो मग्न तट है सबसे लंबा किस महासागर में है, आप लोगों से पूछा गया था आर्कटिक, हिंद, अटलांटिक और प्रशांत। सही आंसर इसका होगा अटलांटिक महासागर। ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया आप लोगों को, अटलांटिक महासागर आप लोगों को पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा चौड़ाई हम लोगों को मग्न तट की वहां पर देखने को मिलती है। तो सातवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, आठवां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अब मैं इस चित्र को मिटा दे रहा हूं, महाद्वीपीय मग्न तट की औसत गहराई कितनी है, देख लीजिए इसकी औसत गहराई यहां पर पूछ ली गई है, कितनी गहराई होती है। अब आप मुझे बताइए कि गहराई ज्यादा दिख रही है या कम दिख रही है। भाई गहराई यहां पर ज्यादा होती है, यहां पर ज्यादा होती है, यहां पर तो गहराई क्या होती है, यहां पर तो गहराई कम होती है, लेकिन कितनी होती है, 100 फैदम। याद रखिएगा समुद्र की गहराई नापने की जो यूनिट होती है उसे हम फैदम में नापते हैं। कमेंट करके मुझे बताइए कि एक फैदम बराबर कितना मीटर या किलोमीटर होता है। चलिए मुझे बताइए एक फैदम बराबर कितना मीटर होता है, तुरंत मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब महाद्वीपीय मग्न तट की औसत गहराई हम लोगों को बताना है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 100 फैदम होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा गहराई हमें नहीं देखने को मिलती है। आप लोगों को एनसीईआरटी में मीटर में कन्वर्ट करके दिया गया है, आप चाहें तो इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सही आंसर एक फैदम बराबर कितना होता है कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा। सही आंसर है ऑप्शन ए, 100 फैदम महाद्वीपीय मग्न तट की औसत गहराई होती है। 9वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, कर्माडेक गर्त, देखिए हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण गर्त पढ़े थे, प्यूटो रिको गर्त पढ़ा था, मेरियाना गर्त पढ़ा था, सुंडा गर्त पढ़ा था, इन्हीं गर्तों में से एक गर्त है कर्माडेक गर्त। ये गर्त किस महासागर में स्थित है आप लोगों को बताना है, हिंद महासागर, मैक्सिको की खाड़ी, अटलांटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। तो ये गर्त हमें किस महासागर में देखने को मिलता है, याद रखिएगा गर्त महासागर का सबसे गहरा हिस्सा होते हैं। सही आंसर होगा प्रशांत महासागर, कर्माडेक गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। तो आप लोगों को सुंडा गर्त, प्यूटो रिको गर्त और मेरियाना गर्त के बारे में मैंने बताया था, उससे हट के ये प्रश्न यहां पर पूछ लिया गया है। चलिए 10वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, अंडमान निकोबार कटक स्थित है, कटक मतलब क्या होता है, समुद्र के अंदर जो डूबा हुआ सागरीय पर्वत श्रृंखला है, समुद्र के अंदर जो डूबी हुई लंबी या क्षैतिज रूप से बिखरी हुई जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, जो समुद्र में डूबी हुई होती हैं, उन्हें हम कटक बोलते हैं।
अंडमान निकोबार कटक कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में या फिर हिंद महासागर में, हमें बताना है। तो सही आंसर इसका होगा हिंद महासागर। अंडमान निकोबार कटक हिंद महासागर में स्थित है, अंडमान निकोबार ही हिंद महासागर में स्थित है, उससे आप गेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये 10 प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मज़ा आ रहा है ना वीडियो में? कैसा लग रहा है वीडियो में, चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए 11वें नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रशांत महासागर की औसत गहराई कितनी है? एवरेज हम लोगों को जो है गहराई बतानी है कितनी होती है प्रशांत महासागर की। 5000 मीटर, 3920 मीटर, 4000 मीटर या 1280 मीटर? तो सही आंसर इसका होगा 5000 मीटर। ठीक है, प्रशांत महासागर की औसत गहराई जो होती है वो 5000 मीटर होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए 12वें नंबर का प्रश्न है, सागर एवं महासागरों में तापमान प्राप्त होता है, आखिरकार सागर या महासागर जो होते हैं उनका जल कैसे गर्म होता है, उनमें ऊष्मा कैसे आती है, आप लोगों को बताना है। गर्म जलधारा से, ज्वालामुखी से, ज्वार ऊर्जा से या सूर्य से? वैसे तो अगर बात की जाए ना, तीनों ही सागर के जल को गर्म करने में भूमिका निभाते हैं, लेकिन सबसे प्रत्यक्ष जो स्रोत है ना वो है सूर्य। हमारी धरती में जो महाद्वीपीय भाग हैं वो भी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और सागरों का जल भी सूर्य के माध्यम से ही प्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, सूर्य से। ठीक है, चलिए 13वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। विश्व के किस महासागरीय जल का तापमान सर्वाधिक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को यहाँ पूछ लिया गया है। मैक्सिको की खाड़ी, फारस की खाड़ी, कैरिबियन सागर और लाल सागर में से किस सागरीय जल का तापमान सर्वाधिक है? भाई जो घिरा हुआ स्थल भाग से ज़्यादा घिरा हुआ जो हिस्सा होगा ना समुद्र का, उसमें ज़्यादा तापमान होगा, ऐसा मैं हिंट दे दे रहा हूँ। अगेन फिर मैं यही कहूँगा कि मैक्सिको, फारस, कैरिबियन और लाल, इन सभी सागरों को आप मैप में ज़रूर देखिएगा, इससे आप लोगों को मैप की तैयारी तो हो जाएगी, साथ में स्थलाकृति भी देखने को मिलेगी कि ये कहाँ कहाँ किस किस देश के पास स्थित हैं, कितने स्थलाकृतियों से ये सागर घिरे हुए हैं। ठीक है, चलिए तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, फारस। फारस मतलब ईरान को ही हम लोग बोल सकते हैं। फारस की खाड़ी जो है वो सर्वाधिक तापमान ग्रहण करती है, सर्वाधिक महासागरीय जल का तापमान फारस की खाड़ी में ही मौजूद है। ठीक है, चलिए 13वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। सबसे कम लवणता वाला सागर, सबसे कम लवणता, मिनिमम जो सैलिनिटी है, कहां पर देखने को मिलती है? कैस्पियन सागर, श्वेत सागर, सार्गेसो सागर और पूर्वी भूमध्य सागर। हम लोगों को बताना है सबसे कम लवणता वाला सागर कहां पर स्थित है या कौन सा सागर है। सही आंसर है श्वेत सागर, यानी व्हाइट सी जो है वो सबसे कम लवणता वाला सागर है। अगेन व्हाइट सी कमेंट करके बताइए कि किस महासागर में स्थित है। जितने प्रश्न मैं पूछ रहा हूं ना, उन प्रश्नों के उत्तर जरूर दीजिएगा, कम से कम गूगल तो कर सकते हैं आप, मोबाइल इतना चलाते हैं, गूगल करके ही श्वेत सागर को आप सर्च करिए कहां पर है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 14 प्रश्न हम लोगों ने देख लिए हैं। 15वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सागर अटलांटिक महासागर का सीमांत सागर नहीं है? यहाँ पर आप सीमांत सागर को भाग से समझ सकते हैं कि अटलांटिक महासागर का भाग अगर मैं बोलूँ तो कौन सा सागर नहीं है। बाल्टिक सागर, कैरिबियन सागर, उत्तरी सागर और तस्मान सागर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप लोगों ने मैप पर ये सब देख लिए ना, ये चारों सागर, तो आप लोगों को अपने आप इस प्रश्न का उत्तर जो है वो बन जाएगा। आप खुद मैप में देखकर बता पाएंगे कि तस्मान सागर तो अटलांटिक सागर से बहुत दूर स्थित है। ठीक है, इसलिए ये अटलांटिक महासागर का भाग नहीं है। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के पास जो है तस्मान सागर स्थित है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये 15 प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, मज़ा आ रहा होगा वीडियो में, सही आंसर आप गैस कर रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए 16वें नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। लवणता के प्रति समुद्री जल में घुले नमक की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। लवणता को है ये, लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले नमक की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। कितने कितने ग्राम से हम लोग व्यक्त करते हैं लवणता या सैलिनिटी को? 10,000 ग्राम, 1,000 ग्राम, 100 ग्राम या 10 ग्राम? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 किलोग्राम जल में, 1 किलोग्राम मतलब 1,000 ग्राम,
1000 ग्राम जल में कितनी नमक की मात्रा घुली होती है, इसको हम लवणता बोलते हैं, सैलिनिटी बोलते हैं। याद रखिएगा, लीटर से नहीं नापते। कई बार लीटर अगर यूनिट दे दी तो आप गैस कर सकते हैं, यार पानी है, लिक्विड है, तो लीटर में नाप रहे होंगे। नहीं, किलोग्राम में नापते हैं, 1 किलोग्राम, या फिर आप 1000 ग्राम बोल दीजिए। 1000 ग्राम में कितना नमक घुला हुआ है, इसको हम लवणता से व्यक्त करते हैं कि इतना नमक है। ठीक है, सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1000 ग्राम, जैसा कि मैंने बताया सोल्वे का आंसर है बी। 17वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, सबसे अधिक जल किस जलाशय में है। ठीक है, सबसे अधिक जल अगर हम लोग देखें, अब यहां पर देख लीजिए मीठे जल की ही बात हो रही है क्योंकि तो सारे ऑप्शन वही दिए गए हैं। भूमिगत जल, झीलें, हिम नदियां एवं हिमटोपियां, नदी नाले। सबसे अधिक जल की अगर बात हो तो वो कहां पर स्थित है, हिम नदियों, हिमटोपियों यानी ग्लेशियर्स में सबसे अधिक जल मौजूद है। भाई नदी भी तो वहीं से निकली ही है ना, नदियां भी वहीं से निकली हैं, ग्लेशियर्स से निकली हैं, इसलिए हिम नदियां, हिमटोपियां, ग्लेशियर्स, ये सबसे सटीक और सही आंसर होगा। सबसे ज्यादा ताजा जल जो है वो वहीं पर संग्रहित है। ठीक है, चलिए 17वें नंबर का प्रश्न जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हिम नदियां एवं हिम टोपियां। 18वें नंबर का प्रश्न चलिए हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लघु उच्चावच आकृति महासागरों में नहीं पाई जाती। याद रखिएगा, लघु उच्चावच आकृति पूछी जा रही है, निमग्न द्वीप, प्रवाल द्वीप, समुद्री टीला और महासागरीय गंभीर में से आप लोगों को बताना है लघु उच्चावच आकृति। जब हम लोगों ने महासागरीय जो उच्चावच है उनका विभाजन किया था, तो उसमें मैंने मग्न तट बताया था, मग्न ढाल बताया था, महासागरीय गंभीर बताया था। लेकिन जब हम लघु उच्चावच आकृति पढ़ रहे थे, क्योंकि इनका तो विभाजन बहुत बड़ा बड़ा है, कई सैकड़ों किलोमीटर तक है, लेकिन जब हम लघु उच्चावच आकृति की बात करते हैं तो इसमें निमग्न द्वीप आते हैं, प्रवाल द्वीप आते हैं, समुद्री टीला आता है। महासागरीय गंभीर लघु उच्चावच आकृति नहीं है, ये तो विभाजन का हिस्सा है और बहुत बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा भी हम लोग इसे बोल सकते हैं। गंभीर मतलब निचला हिस्सा, सबसे गहराई वाला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, महासागरीय गंभीर जो है वो लघु उच्चावच आकृति का पार्ट नहीं है। चलिए 19वें नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई निम्नलिखित के बीच होती है। अभी हम लोगों ने महाद्वीपीय मग्न तट देखा था, है ना, 100 फैदम याद आ रहा होगा। अब मग्न ढाल की औसत गहराई जो है पूछी जा रही है, 2 से 20 मीटर, 20 से 200 मीटर, 200 से 2000 मीटर या फिर 2000 से 20000 मीटर मग्न ढाल की औसत गहराई होती है। बताइए, सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, 200 से 2000 मीटर जो होती है वो महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई होती है, मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए लास्ट प्रश्न आज की इस वीडियो का, उस तत्व की पहचान कीजिए जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। उस तत्व की पहचान करना है जो जलीय चक्र का हिस्सा नहीं है। तो हम लोगों ने संघनन, जलयोजन, वर्षण और वाष्पीकरण, वैसे तो हम चारों टर्मिनोलॉजी से परिचित हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि वाष्पीकरण के माध्यम से जलवाष्प ऊपर जाती है, संघनन की प्रक्रिया होती है, संघनन की प्रक्रिया से बारिश होती है, वर्षण होता है, और यही क्या है, यही जलीय चक्र है। इसमें कहीं जलयोजन का जिक्र आया है क्या? नहीं। वाष्पीकरण या फिर वाष्पोत्सर्जन होता है, संघनन होता है, बादलों का निर्माण होता है, वर्षा हो जाती है, यही पूरा जलीय चक्र हो जाता है। जलयोजन जलीय चक्र का भाग नहीं होता। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, जलयोजन। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये 20 प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, मजा आया होगा वीडियो में, सभी प्रश्न आप लोगों ने सही गैस किए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। इसी तरीके से CBSE बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी मैग्नेट ब्रेन्स चैनल द्वारा चलाई जा रही हैं। www.magnetbrains.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका इंटरफेस आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सारे कोर्सेज अपडेटेड फॉर्म में, सिंक्रोनाइज वे में आप लोगों को नज़र आ जाएंगे, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप लोगों को महसूस नहीं होगी। डे टू डे अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। जिन सोशल मीडिया चैनल्स पर हम उपलब्ध हैं वो हैं YouTube,
फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप चैनल। आपको करना क्या है, इन सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना है, आज की इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और डाउट की स्थिति में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ लेना है। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।